हेलो गाइस, आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मेडिमिक्स आयुर्वेदिक सोप का। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस सोप को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और आपको इस सोप को किस कंडीशन में यूज़ करनी चाहिए। आज इस मेडिमिक्स सोप के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चले गए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं मेरे पास आज मेडिमिक्स आयुर्वेदिक सोप है और सबसे पहले मैं आपको इस सोप के प्राइस और क्वांटिटी बता देता हूं। तो मेरे पास 75 ग्राम का पैक है और ये मुझे मिली है 30 रुपीज़ में। गाइज, बात करें सोप के बेनिफिट्स की तो ये सोप 18 हर्ब से मिलकर बनी हुई होती है और इस सोप को यूज़ करने के ये फ़ायदे होते हैं। ये सोप आपके फेस पर कील मुहासों जैसी प्रॉब्लम को होने से रोकती है। ये अगर आपके फेस पर पहले से ही कील मुहासों जैसी प्रॉब्लम होती है तो आपके फेस से कील मुहासों को ठीक करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और गाइस, अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, जैसे कि स्किन में हल्के हल्के छोटे छोटे दाने होना या स्किन में हल्की हल्की खुजली होना, तो इस कंडीशन में भी ये सोप आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये सोप स्किन के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। और गाइस, आप देख सकते हैं इस पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है ये सोप 18 पावरफुल हर्ब से मिलकर बनी हुई होती है और ये हमारी स्किन को इन सभी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि पिंपल्स, बॉडी ऑडर मतलब कि गर्मियों में ज़्यादा पसीने से, और बॉयल्स यानी कि फोड़े फुंसी से, और स्किन के अदर इन्फेक्शन से भी ये सोप हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। और साथ ही ये सोप हमारी स्किन को रेडिएंट एंड हेल्दी ग्लो देने में हेल्प करती है। और गाइस, जब आप सोच रहे होंगे कि ये सोप चेहरे को गोरा भी करती है, सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये सोप आपके चेहरे को बिल्कुल भी गोरा नहीं करने वाली है, लेकिन ये आपकी स्किन को एक्ने, पिंपल्स, कील मुहासे और स्किन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने वाली है। बात करें सोप के साइड इफेक्ट्स की, सो गाइस मैं आपको बता दूं कि सोप में कुछ भी ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स का यूज नहीं किया जाता है, जिससे आपको इस सोप के कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपकी नॉर्मल या ऑयली स्किन है तो ये सोप आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, लेकिन गाइस अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इस कंडीशन में सोप को यूज करने से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे ही हम इस सोप को यूज करते हैं तो ये सोप स्किन को थोड़ी ड्राई कर देती है। और गाइस, अगर आपके फेस पे एक्ने, पिंपल्स, कील मुहासों जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही आपकी स्किन में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन है और आप इस सोप को नॉर्मल सोप की तरह यूज़ करना चाहते हो, सो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के इस सोप को नॉर्मल सोप की तरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस सोप के ना तो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और इस सोप के हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये सोप हमारी स्किन को पिंपल्स, बॉडी ऑडर, बॉयल्स और स्किन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम से भी हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। सो गाइस, वीडियो को लास्ट में आपको यही कहूँगा, अगर आपके फेस पे कील मुहासों जैसी प्रॉब्लम है और आपकी स्किन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो आपको इस सोप को एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, आपको इस सोप का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और आप इस सोप को फेस को वॉश करने के लिए भी यूज़ में ले सकते हो और इस सोप को नहाने के लिए भी यूज़ में ले सकते हो। सो गाइस, यही था इस मेडिमिक्स आयुर्वेदिक सोप का रिव्यू।